हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियरंजन मिश्रा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल प्रिय नॉलेज शेयरिंग में स्वागत करता हूँ। आज देखेंगे कुछ प्लग का पिन में कट मार्क क्यों होता है। सब प्लग का पिन में नहीं होता है, कुछ पिनों में होता है, तो क्यों होता है। चलिए बिना लेट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी देखिए, पहला वाला जो पिन है वो रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ था, उसमें कट मार्क नहीं है। और दूसरा वाला जो प्लग है उसको देखिए, उसको पिन वो पिन में भी नहीं है कट मार्क। थार में जो देखिए पिन है उसमें कट मार्क है, वो क्यों है। एक्चुअली वो जो पिन है वो ब्रास मेटल का है, मतलब ब्रास मेटल में वो बना हुआ है पिन। ब्रास मेटल क्या है, ब्रास मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है, इसीलिए वो यूज करते हैं पिन के हिसाब से। तो वो क्या होता है, ब्रास जो मेटल है वो जब ये प्लग को हम किसी सॉकेट में लगाएंगे और कुछ काम करेंगे, मतलब जैसे कि रेफ्रिजरेटर चलाए या कोई बोर्ड चलाए, कुछ हमारा जो कूलर होगा वो चलाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब लोड देंगे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही प्लग के अंदर जो पिनों के थ्रू जाएगा, प्रभावित होगा, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे करके वो मेटल गर्म हो जाएगा, वो पिन गर्म हो जाएगा। ज़्यादा गर्म होने से ये एक्सपांड हो जाएगा। जब एक्सपांड होगा क्या करेगा ना, जो सॉकेट है वो सॉकेट को बंद कर देगा, मतलब सॉकेट से प्लग को आप निकाल नहीं पाएंगे। वो प्लास्टिक का होता है, फिर वो सॉकेट को खराब कर देगा, इसीलिए उसको रोकने के लिए ये प्लग का जो पिन है ये पिन में कट मार्क होता है। क्योंकि जब गर्म भी होता है तो जब एक्सपांड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दूसरा भी रीजन है, ये क्या है, इसमें रस्टिंग हो जाता है। ये जो ब्रास मेटल है कुछ दिन चलने के बाद, यूज होने के बाद रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, पिन के ऊपर निकेल का कोटिंग दे देते हैं। तो निकेल का कोटिंग जो है वो क्या करता है ना, कोरोजन को रोकता है, मतलब रस्टिंग को रोकता है, और शाइनिंग देता है, स्ट्रेंथ भी देता है। तो कौन सा पिन में कट मार्क नहीं होता है ना, जो एल्युमिनियम का बना होता है उसमें कट मार्क नहीं होता है। अभी देखिए, कुछ कुछ प्लग में ऐसा होता है वो पीला कलर का नहीं दिख रहा होगा, मतलब ब्रास मेटल का नहीं दिख रहा होगा, फिर भी उसमें कट मार्क होगा। जैसे मैं ये प्लग में देखिए, ये तो पीला नहीं दिख रहा है, जैसा ये में दिख रहा है, ये प्लग टू पिन में दिख रहा है पीला कलर, तो आपको पता चलेगा कि ब्रास मेटल का है। लेकिन इसमें तो पीला नहीं दिख रहा है, ये तो व्हाइट कलर का दिख रहा है, सफेद कलर का दिख रहा है, तो इसमें कट मार्क क्यों है। नहीं, ये भी ब्रास मेटल का ही है, लेकिन इसमें क्या गया है, क्या किया गया है ना, और इसके जो पिन के ऊपर निकेल का कोटिंग दे दिया गया है, इसको कोरोजन को रोकने के लिए और स्ट्रेंथन के लिए। तो आपको पता कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन अगर कट मार्क है तो ये ब्रास मेटल का ही बना है, आपको ये जानना है। तो जो भी प्लग होगा, कट मार्क होगा प्लग का पिन में, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये पिन जो है ब्रास मेटल का बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा कुछ प्लग का पिनों में कटना क्यों है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।